हरियाणा रोडवेज को मिलेंगे 800 ड्राइवर जल्दी ही। यहाँ हम दैनिक भास्कर की खबर पढ़ते हैं। आइए देखिए, हड़ताल जारी है, पांचवा दिन हो गया है और हड़ताल आगे भी खिंच रही है। यहाँ देखिए, सोमवार तक रोडवेज को 800 ड्राइवर मिल जाएंगे, ये बात कही है अतिरिक्त मुख्य सचिव धनपत सिंह ने। रोडवेज को 800 ड्राइवर मिल जाएंगे, इनमें आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य श्रेणी के 174 ड्राइवर शामिल होंगे। यानी हड़ताल चल रही है, इसके साथ साथ गवर्नमेंट कर रही है कि ड्राइवर नए मिल जाएं और इनसे लिखित रूप में ले लिया जाए कि ये हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। 174 ड्राइवरों की नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं, ईबीसी से रिलेटेड हैं। आप यहाँ देखिए, हड़ताल जारी है और कई साल बाद इतनी लंबी हड़ताल खींच रही है। और यह हम देखते हैं कि बस स्टैंड के ऊपर भारी भीड़ जमा है, जो आवेदक अप्लाई कर रहे हैं नौकरी के लिए, अभी पीछे चालक परिचालक के लिए निकला है कॉन्ट्रैक्ट पर। और इसमें साथ साथ ये है कि युवतियां भी पीछे नहीं हैं। यहाँ भिवानी के गांव झुल्ली की युवतियां कविता और बबीता, इन्होंने कहा कि बेशक हमारे पास अनुभव नहीं है, लेकिन हम ट्राई तो कर सकते हैं और मौका मिला तो पीछे भी नहीं हटेंगे। यानी लड़कियां भी रोज़गार के लिए अप्लाई कर रहे हैं, काफ़ी कैंडिडेट लाइन में हैं। उनको उम्मीद है कि ये हड़ताल जो हुई है, इसमें उनके रोज़गार की भी संभावना है। इस बीच काफ़ी कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया गया है। ये बात ज़रूर है कि अगर रोडवेज का प्राइवेटाइजेशन होगा तो इसमें जो मनमर्जियाँ होती हैं रोडवेज, तो सही होती है, उसमें गवर्नमेंट का है और इसमें कोई जैसे टिकट का है या कोई और है प्रॉब्लम नहीं आती। और प्राइवेटाइजेशन में मुश्किलें तो होंगी आने वाले समय में, तो एक तरह से अगर प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ ये हड़ताल है तो एक तरह से ये ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहें, जो भी खबर होगी आपके करियर की हम ज़रूर शेयर करेंगे।